बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू आर फाइन। कल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि क्वालिटेटिव डाटा की टाइप्स होती हैं, ठीक है, जो उसके बारे में था और कौन सा। उससे पहले मैंने आपको बताया क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है, देन आई विल मैंने आपको बताया कि क्वालिटेटिव डाटा क्या था, ठीक है। फिर मैंने आपको उसकी एग्जाम्पल्स बताई, उसकी रेफरेंस बताई, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर दी थी। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेरी, डोंट हेजिटेट, आपको हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, यू विल कम, ठीक है, यू विल कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप, ठीक है, जो आपको इजी लगे आप, बिकॉज हम यहाँ पे आपकी इजीनेस से भी आए हैं, ठीक है। तो आप जिस तरह से इजी होंगे, ठीक है, हम आपको उस तरह से लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। देखिए क्लास में कुछ होता है, बच्चों को अक्सर वो कहते हैं कि हमें डर लगता है कि हमें सवाल पूछेगा, कोई बात पड़ेगा, हमारी बेइज्जती होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको किसी किस्म की एजेशन नहीं है कि यार मैं सवाल पूछा तो वो मेरा दोस्त हंसेगा या सर डांटेंगे, ठीक है। नो नीड टू फील शाय, आपको किसी भी किस्म की एजेशन की जरूरत नहीं है, ना कोई शायद ना कोई शर्म है, ठीक है। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, ठीक है, आप अपने मैनेजमेंट को बताएं, अपने टीचर को बताएं, जैसे मर्जी, हम सिर्फ आप यहाँ पर हैं कि आपको किसी तरीके से सेटिस्फाई कर देंगे, ठीक है। बिकॉज नो डाउट दिस इज अ डिफिकल्ट मोड टू स्टडी, बट वी विल ट्राई टू ड्रैग, ठीक है, वी विल ट्राई टू ड्रैग यू सर, ठीक है, इन टू द स्टडी मोड, ठीक है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको ड्रैग करें, आपको कि आपको इंटरेस्ट डेवलप करें इस ऑनलाइन स्टडी सिस्टम में, ठीक है। तो आपको किसी से भी है, आपने फील हो गया मैं पूछना, ठीक है। अब कल एक बच्चा ने कहा कि सर क्वान्टिटेटिव डाटा में हमें वेरिएबल और कॉन्स्टेंट की समझ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको उस बच्चे का नाम दिया, वो बताना है, ठीक है। तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी तो आपने इंडिविजुअली पूछना है, बिल्कुल शर्म फील नहीं करनी आपने, ठीक है। लेकिन उसने मुझसे पूछा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से मैंने मुझसे क्वेश्चन पूछने हैं, ओके। अब कल मैंने आपको बताया था कि जिसमें आपको बताया कि टाइप्स ऑफ डेटा फॉर कलेक्शन पर्पस दो होती है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। जिसको काउंट कर सकते हो क्वांटिटी पे, जिसको नहीं कर सकते क्वालिटी पे। देन आई वाज मैंने टोल्ड यू दैट टाइप क्वांटिटी डेटा के दो तरह होता है, ठीक है। क्वालिटेटिव डेटा के दो तरह होता है, फर्स्ट वन इज वेरिएबल, फिर कॉन्स्टेंट। ये आप बचपन मैट्रिक में पढ़ते आ रहे हैं कि वेरिएबल वो चीज जो चेंज होती है, ठीक है, अ वैल्यू दैट चेंज, दैट कैन बी चेंज, ठीक है, अ वैल्यू दैट वेरी, दैट डिफर, जो कि चेंज होती है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। और फिर मैंने आपसे कहा कि अ वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, इट मींस कि जो चेंज नहीं हो सकती उसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट है, वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, वो अपनी जगह से नहीं सकती, ठीक है, कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट वो जो चेंज है, उसकी वेरिएबल जो चेंज हो सकता है, ठीक है। इसका मैंने आपको डेफिनेशन प्रॉपर्टी बता दी। फिर मैंने आपको कहा कि वो पेपर में वेरिएबल डेफिनेशन पूछे या कॉन्स्टेंट ही पूछे, दोनों की इकट्ठी पूछ ले या दोनों की इंडिविजुअली पूछ ले, ठीक है। आपने दोनों में से जो मर्जी पूछे, आपने एग्जाम्पल इकट्ठी लिखनी है, ठीक है, ओके। तो अब मैंने एग्जाम्पल दी थी 100+5x, ठीक है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी। अब इसमें 100 का मैंने कहा था ये कॉन्स्टेंट है, x क्या है, और ऑब्वियसली यहां पे x हो, y हो, z हो, जो भी आपको मोस्ट x y हो, ठीक है, x क्या होगा वेरिएबल, और x के साथ जो वैल्यू है वो क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल, सॉरी यहां पे सॉरी, ठीक है। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि वेरिएबल को चेंज करने में मदद देने वाला, ठीक है, याद आपने हमेशा ये देखा कोफिशिएंट क्या होता है, जो कि वेरिएबल को चेंज करने में मदद करता है, ठीक है। अब आपके सामने सिचुएशन में रख रहा हूं, ठीक है। अब आपको पता है कि आपको जब भी आपने x की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है, बाद में उसको आप सबसे पहले आप लेट करते हैं, फिर उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है, आपको भी करते हैं कि व्हेन यू आर एबल टू फाइंड द x वैल्यू ऑफ x और y, ठीक है, जब आप x और y की वैल्यू को फाइंड करते हैं, द नेक्स्ट स्टेप यू पुट आउट द वैल्यू ऑन द इक्वेशन, ठीक है, यू लेट इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, जो पीछे वाले क्वेश्चन की ओर लेट, ठीक है, जो भी आपने इक्वेशन लेट की होती है, कि इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, फिर आप उस x की वैल्यू को उस क्वेश्चन में पुट करते हो तो आपके सामने वो वैल्यू आ जाती है, ठीक है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या किया है, हम यहाँ पे x की वैल्यूज को कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए सेट करेंगे कि ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है, कुछ हम फर्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, एक दफा x की वैल्यू ये, एक दफा ये, एक दफा ये, ठीक है, फिर उसको क्वेश्चन में पुट करेंगे, फिर हम देखेंगे कॉन्स्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है, ठीक है। अब मैंने लेट कर लिया कि फॉर एग्जाम्पल एक दफा x 2 के बराबर है, दूसरी दफा x 5 के बराबर है, तीसरी दफा x 10 के बराबर है, ठीक है। अब मैं करूंगा आगे x की वैल्यू आ गई, अब नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज, पुट दीस वैल्यूज बाय वन बाय वन, ठीक है, वन बाय वन आई विल पुट दीस वैल्यूज इनटू द दैट इक्वेशन, ठीक है, जो इक्वेशन मैं आपको समझ पड़ी है 100+5x वाली, ओके। सो पेपर में यू नॉट नीड टू प्रूव, ठीक है, फॉर 3 टाइम्स, तो द वन टाइम्स ओनली इनफ, ठीक है, जहां तक भी आप उसको प्रूव करते हैं तो इनफ होगा, इवन दो कि आप ये ना भी लिखें, सिर्फ उसको ये एग्जांपल दे दें कि फॉर एग्जांपल 100+5x, 100 कॉन्स्टेंट है, 5 कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल,
पास 5x इट इज इनफ, ठीक है, ये क्या होगा आपके लिए काफी होगा, ठीक है, ठीक है, तो नो नीड टू पुट एवर इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू वेस्ट योर टाइम, ठीक है, पहले मैंने लेट कर लिया, ठीक है, तो मैंने आपको बता रहा कि आपको पेपर में ये प्रूफ है, ये क्या है प्रूफ है, यहां तक एग्जांपल है बस, ये एग्जांपल है, ठीक है, तो अगर पेपर में आता है ना आपको टेस्ट करा इसमें भी पूछा जाए तो सिर्फ आपने एग्जांपल लिखनी है, ठीक है, अब मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूं, मैंने कहा फॉर एग्जांपल x = 2 x सेकंड मैंने कहा x = 5 थर्ड में मैं कह रहा हूं x = 10, ठीक है, अब मैं इस x की वैल्यूज को 1 बाय 1 इस क्वेश्चन में पुट करूंगा, सो दैट यू विल मेक कम नो कि इसको हमें इस तरह से इजी करना है, ठीक है, अब देखिए 100 + 5 x का मान क्या दिया 2, ठीक है, तो 100 5 2 से मल्टीप्लाई हुआ, अब देखिए 5 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो 10 हुआ, इट मींस कि कोएफिशिएंट वो जो दिया जो वेरिएबल को चेंज करने में मदद करती है, तो 5 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10 100 + 10 इज इक्वल टू 110, देन क्वेश्चन 2 सॉरी, ठीक है, अब सेकंड में मैंने लेट किया जी x से बराबर है 5 के 5 के, अब पुट द x इन अगेन द सेम क्वेश्चन, अब 100 + 5 now I am writing the 5 on the in place of x, अब x का मैं क्या लिख रहा हूं 5 लिख रहा हूं, so 100 plus 5 into 5 is 25, तो 100 plus 25 is equal to 125, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मैंने लिख दिया जी x equal to 10 है, again I am putting the x on the I am putting the 10 on the in place of x, ठीक है, अब 100 plus 5 x से क्या लिखा मैंने 10, तो 100 प्लस 5 से मल्टीप्लाई हो तो 50 इज इक्वल टू 150, नाउ आप एक चीज देख सकते हैं कि 100 अपनी जगह पे सेम है, ठीक है, बट देखिए x पहले 10 हुआ फिर 25 हुआ फिर 50 हुआ, ठीक है, तो 100 क्या है कांस्टेंट और ये x देखिए ये क्या है वेरिएबल, ठीक है, पहले x 10 था फिर 25 हुआ फिर क्या हुआ 50 हुआ, ठीक है, तो ये इसी से कांसेप्ट था, होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, बट फिर भी किसी को समझ नहीं आएगी तो मुझसे डिटेली पूछ सकते हैं, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा-थोड़ा बता दूंगा, ठीक है, ओके, अब आते हैं आगे इसकी अगर राइट साइड राइट साइड, ठीक है, तो वेरिएबल क्या क्या छोटे टाइप्स होती है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है, जैसे मैंने बताया ना क्वांटिटी बेटर की दो टाइप्स होती है वेरिएबल एंड कांस्टेंट, सिमिलरली इसी तरह आगे वेरिएबल्स की भी दो वेरिएबल्स की दो टाइप्स होती है, the first one is discrete variable and the second one is continuous variable, ठीक है, तो discrete variable क्या होता है और continuous variable क्या होता है, ठीक है, इस discrete variable और continuous variable के बारे में हम इसको deeply study करते हैं, ठीक है, a variable that follows them is called discrete variable, ठीक है, ऐसा variable मैं इसको लिख रहा हूँ आप a variable ओके तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि हमारे पास वेरिएबल दो टाइप्स होती हैं, एक होता है डिस्क्रीट एक होता है कंटीन्यूअस, ठीक है, फर्दर इस पे जो डिस्कशन होगी थोड़ा तो अंदर करेंगे, फिर मैं आपको उसी डेफिनेशन के बारे में थोड़ी सी मौना बता दूं, ठीक है, अब मेरा जो मेजर पर्पस है थ्योरी पढ़ाने का वो ये है कि आप कांसेप्ट के बारे में इजीली अंडरस्टैंड हो, ठीक है, जब आपको थ्योरी समझ आ जाएगी ना थोड़े से इसके कांसेप्ट समझ आ जाएंगे, ठीक है, आपके लिए अगले मेडिकल क्वेश्चंस मैंने सिर्फ आपको एक बताना है और अगले 5-6 साल तक आपने खुद कर लेना है, ठीक है, ये मेरी आपको गारंटी है, अगर आप इस थ्योरी को समझा होगा बिकॉज इन्हीं की बेस पे आगे सवाल होने हैं, ठीक है, जब एक मकान की बेस सही ना होगी तो फिर मकान कभी खड़ा नहीं होगा, ठीक है, तो इसी तरीके से मैं बेस ना बनाऊं और आपको मकान खड़ा कर दूं तो चार अगर गिरा होगा, ठीक है, तो मैं आई डोंट वांट दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, आई वांट माय स्टूडेंट दैट दे कैन अंडरस्टैंड द कांसेप्ट इजीली, ठीक है, तो मैं चाहता हूं मेरे बच्चे कांसेप्ट सीखे, ठीक है, और आगे जाके इसको इंप्लीमेंट करें, ठीक है, जब हम यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी वर्थ जो के गिना जा सकता है काउंटेबल और जो गैप को फॉलो करता है गैप बोलते हैं फासले को, ठीक है, वो कहलाता है डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है, और ऐसा ठीक है इसका फर्दर जो गैप फॉलो ये क्या होता है इसके चलते मैं कल आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, अब कंटीन्यूअस वेरिएबल अ वेरिएबल व्हिच इज मेजरेबल डिस्क्रीट की पहचान क्या है काउंटेबल काउंट होता है 1 2 3 4 5 6 ठीक हो गया बट कंटीन्यूअस की पहचान क्या है मेजर होता है ठीक है अब काउंट करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ कार्स नंबर ऑफ कंट्रीज ठीक है ये सब चीजें काउंट होती हैं मेजर होती हैं एज एज काउंट होती है ये मेजर होती है किसकी एज का मेजर होती है 23 साल है ठीक है कपड़ा मेजर होता है इंच में ठीक है वेट मेजर होता है आपका ठीक है तो एज वेट ये वो चीजें हैं जो कि हाइट आपकी क्या होती है कितना इंच हाइट है इसकी ठीक है अब हाइट काउंट नहीं करते क्या करते हैं मेजर करते हैं तो
ऐसी चीजें जिनको मेजर करते हैं वो कंटीन्यूअस है और जिनको काउंट करते हैं वो डिस्क्रीट है, ठीक है। और इसकी दूसरी पहचान क्या है कि ये गैप को फॉलो करता है बट ये गैप को फॉलो नहीं करता, ठीक है, विच टू नॉट फॉलो गैप, ठीक है। ये क्या था, वेरिएबल दैट इज काउंटेबल एंड विच फॉलो गैप, और जो गैप को फॉलो करता है, जबकि कंटीन्यूअस क्या है, जो कि काउंट के इंटरवल के बाहर होता है और वो गैप को फॉलो नहीं करता, ठीक है। यहां तो प्रॉब्लम हो तो आप इजीली पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह फर्दर डिस्कशन इसमें हम बात करेंगे, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।